बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। हाल ही में पाकिस्तान न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है वो अख्ताम पजीर हुई और उसके बाद अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए एशिया कप बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन उसके फैसले अब शायद होते हुए दिखाई नहीं दे रहे कि पाकिस्तान में हो सकता है कि एशिया कप ना हो, लेकिन न्यूट्रल मुकाम पर ज़रूर जो है एशिया कप की तजवीज़ दी जा रही है, जिसमें हम देख लें कि तो श्रीलंका वो मुल्क है जहां पर हो सकता है कि एशिया कप वहां पर मुनक्किद हो। दूसरी तरफ अगर बात करें पाकिस्तानी स्क्वाड के हवाले से, तो अब पाकिस्तानी स्क्वाड का बाकायदा तौर पर वर्ल्ड कप के लिए ऐलान होने जा रहा है और हमारे ज़राए के मुताबिक जो है सरफराज अहमद वो 25 रुकनी जो स्क्वाड का ऐलान होगा उसमें सरफराज अहमद का नाम शामिल किया जा सकता है। अगर बात कर लें दूसरी तरफ नौजवान बैटर्स के हवाले से, तो सऊद शकील भी मिडिल ऑर्डर के लिए पाकिस्तान के लिए जो है दस्तियाब होंगे यकीनन, जो पाकिस्तानी स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए जाएगा। इन सारे सूरतहाल पे बात करने के लिए और खासकर अगर हम बात कर लें नजम सिटी के हवाले से भी बात करेंगे आज के इस शो में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और विनर्स टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब, उनके साथ साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ मौजूद है ताबिश मीर, नौजवान है, यंग है, बड़ी ज़बरदस्त एंकर पर्सन है, तो वो हमारे साथ मौजूद है। ताबिश मीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन साहब, सबसे पहले पाकिस्तान के जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज भी है, गो के हमने कामयाबी हासिल की, लेकिन कुछ शायद अब बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि हमें एशिया में जाकर वर्ल्ड कप खेलना है। भारत में जो विकटें तैयार की गई थी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, उस पर हमने देखा है कि बहुत सी विकटें, बैटिंग विकेट तैयार की गई। गो के अगर हम इंडिया चले जाएंगे तो वहाँ पर हमें स्पिन ट्रैक ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई देगा। कुछ स्पिनर्स हमने ज़रूर ट्राई किए, अगर हम देख लें तो थोड़ा सा इफ्तिखार अहमद और उसके साथ साथ अगर हम बात कर लें नौजवान बैटर्स के हवाले से, तो जिस तरह उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी और जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तानी टीम को कामयाबी मिली, समझते हैं कि ये आने वाले फ्यूचर में जो है दोनों टीम का हिस्सा होंगे। और जिस तरह मैं अपने ज़राए की बात कर रहा हूँ कि सरफराज अहमद और सऊद शकील जो है पाकिस्तान के हतमी जो 16 रुकनी स्क्वाड होगा उसमें वो शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, सबसे पहले तो शुरू करते हैं यहाँ से कि एशिया कप और न्यूजीलैंड की टीम। देखिए, न्यूजीलैंड की जो ये एक टीम आई थी, इससे पहले भी हम इस तरह की बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा टीम थी और हालिया जो न्यूजीलैंड के साथ हमारी सीरीज़ हुई, इसमें न्यूजीलैंड के सिर्फ वो 6 खिलाड़ी शामिल थे जो इससे 2-3 महीने कबल यहाँ पे टीम आई थी, बाकी सारे खिलाड़ी उनके नए थे और 3 उनके नौजवान खिलाड़ियों ने यहाँ पे डेब्यू किया था। अच्छा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या जो इंग्लैंड की टीमें होती हैं, ये किसी भी सीरीज़ को मतलब ये कि वो ये समझ के नहीं जाती हैं कि बस ये हमने जीतना है, बल्कि उसके तनाजुर में उनका टारगेट होता है, उनके मकासद होते हैं, वो अपने खिलाड़ियों को ग्रूम कर रहे होते हैं। आप ये देखें कि उनके न सिर्फ नए ज़्यादातर खिलाड़ी थे, 3 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया और उसके बावजूद उन्होंने ऑन एंड ऑफ अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। उन्होंने आपसे T20 सीरीज़ जो है आपसे बराबर की, जबकि आपकी टीम जो थी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रही थी, एक बेहतरीन टीम थी और इससे ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी आपके पास नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ये बड़ा अच्छा हुआ कि उनके बेंच ऑफिशल्स ने और कप्तान ने अपने जितने भी मतलब लड़के थे उनको रीशफल किया, उनको जो है मौके दिए और उन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को उन्होंने जज किया। इसी तरह से T20 की सीरीज़ को न्यूजीलैंड की टीम बराबर करने में कामयाब रही, जिसका क्रेडिट न्यूजीलैंड की टीम को जाता है जो नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी। रह गई वनडे की बात, तो उसमें पाकिस्तान एक मौके पे इस पोजीशन में था कि वो वाइट वॉश कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान वाइट वॉश नहीं कर सका। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और यहाँ पर यह बात करने का कतई मतलब नहीं है कि हम अपनी टीम की, अगर हम जब ये कहते हैं ना कि न्यूजीलैंड की बी टीम थी, तो उसका कतई मकसद ये नहीं कि हम अपनी टीम की जो परफॉर्मेंस है उसको हम मतलब लेट डाउन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। फतह फतह होती है, चाहे वो बी टीम के साथ हो या सी टीम के खिलाफ हो, फतह की अपनी अहमियत होती है। लेकिन असल चीज़ ये है कि दोनों टीमों ने, न्यूजीलैंड ने भी और पाकिस्तान ने भी, वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए अपनी मतलब सफबंदी की और अपने खिलाड़ियों को उन्होंने जांचा और सब अच्छा खिलाड़ियों की जांचने की बात हो रही है। तो फिर आज ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है कोच की हैसियत से बतौर जो है क्रेट ब्रेंट को जो है कोच मुकर्रर कर दिया, क्या कहेंगे? असिस्टेंट कोच के फ्राइज ज़रूर बतौर वो न्यूजीलैंड सीरीज में अंजाम दे रहे थे, उनकी कोचिंग में पाकिस्तान ने 4-1 से कामयाबी हासिल की। हाँ, इनका नाम है ग्रैंट ब्रेडबर्न,
तो उनको उन्होंने मतलब ये कि लिया है, और मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी चीज़ है, इसलिए कि जो उनका एक्सपीरियंस है, जो एक्सपोजर है, हमारी टीम को इसी तरह के खिलाड़ियों की ज़रूरत है, और यकीनन मतलब ये एक अच्छी मतलब वो इंक्लूजन है। मैं जो पहले लेकिन मेरे जो जराए कह रहे हो मिकी आर्थर के कहने पर जो है उन्हें बतौर कोच नामजद किया गया। बिल्कुल ये सही बात है। देखिए मिकी आर्थर तो डायरेक्टर हैं, ही नोज वेरी वेल ईच एंड एवरीथिंग, और वो की टू द हार्ट ऑफ एवरीथिंग है, और वो जो है अब जो भी मतलब ऑफिशियल्स को लाना चाहेंगे वो इस पोजीशन में है, और उनकी बात को माना भी जाएगा। जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको इंक्लूड किया है अपने इस सिस्टम में, तो वो डायरेक्टर की हैसियत से करेंगे। मैं अभी जो पहले बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है उसने मतलब एक सही सफबंदी की है वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। विकटों से हट के मैं बात करूँगा कि हमें जो एक बहुत दिनों से प्रॉब्लम आ रहा था कि हमारा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो शोभा है वो नहीं चल रहा था, गो कि अभी भी फुल फ्लेज नहीं चला, लेकिन कम से कम इफ्तिखार अहमद की जो उन्होंने ऑन एंड ऑफ अच्छी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, उससे एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश कर सकेगी। रह गई विकटों की बात, तो देखें वहाँ की जो कंडीशंस हैं कमोबेश पाकिस्तान की तरह हैं, वहाँ का मौसम भी पाकिस्तान की तरह है, और दूसरी ये कि जब प्रोफेशनल मतलब टीमें और खिलाड़ी किसी इवेंट में शिरकत करते हैं तो उनके लिए ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता कि उनकी जो है मतलब कंडीशंस क्या है, उनको हर कंडीशन में खेलना पड़ता है। रह गई एशिया कप के हवाले से बात, तो देखें एशिया कप मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में नहीं होता है तो हमें ये फैसला करना चाहिए कि हम भी भारत ना जाएं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमको बड़ा अच्छा मौका फराहम किया है दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि वो इज़्ज़त और वक़ार के साथ मतलब अपने सिलसिले को आगे लेकर चलें। इसलिए कि भारत जो है हमेशा आपको लेट डाउन करता रहा है, उसकी हठधर्मी जो है वो हमेशा सामने आती रही है, और पाकिस्तान में अब भारत के ना खेलने की कोई जस्टिफिकेशन इसलिए नहीं है कि एक ज़माना ज़रूर था आज से 8-10 साल पहले कि वो ये पिली लेता था कि यहाँ पे जो है हालात जो हैं सिक्योरिटी के सही नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिक्योरिटी इदारों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो शहादतें दी हैं, उसके बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि अपने मुल्क में बड़े बड़े इवेंट हम इत्माद के साथ करा रहे हैं। जायद भाई की भी राय लेते हैं। जायद भाई क्या कहेंगे एशिया कप के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, और उसके साथ साथ जिस तरह रियाजुद्दीन साहब कह रहे हैं कि हमें भी जो है इंडिया में वर्ल्ड कप जो खेला जाना है उसमें शिरकत नहीं करनी चाहिए, उसके लिए भी हमें न्यूट्रल मुकाम मुकर्रर कर लेना चाहिए। शुक्रिया मोहन भाई। जैसे रियाज साहब कह रहे थे, ज़ाहिर है उनकी अपनी राय है, लेकिन यह है कि इंडिया ने जिस तरह से हठधर्मी पकड़ी हुई है कि हमने पाकिस्तान नहीं जाकर खेलना, यानी कि वो सियासत को जो है ना फुल टाइम जो है ना अपने बोर्ड में ले आई है, टीम में ले आई, जबकि सियासत से हटकर जो है उसे सोचना चाहिए, क्रिकेट के हवाले से सोचना चाहिए। ये मुल्कों का तो टकराव चलता रहता है, हर किसी के कहीं ना कहीं मफादात होते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि देखें एशिया कप अगर पाकिस्तान में नहीं आ रही, वो इंडिया नहीं आ रही, तो हमें चाहिए, हमारे पास बांग्लादेश भी है, अमारात भी है, हमने जो हाइब्रिड। सर किस बांग्लादेश की बात कर रहे हैं? इसी बांग्लादेश ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, अगर बांग्लादेश वहाँ पर साथ दे देता उस मीटिंग के अंदर तो शायद एशिया कप पाकिस्तान में होता दिखाई देता। देखें बांग्लादेश ही नहीं है, सिर्फ अफगानिस्तान और श्रीलंका भी पाकिस्तान ने फेवर किया, श्रीलंका ने जो है पाकिस्तान ये दोनों उसके साथ है। श्रीलंका को तो ये लालच है ना कि एशिया कप की मेजबानी हमें मिल जाएगी, जबकि पाकिस्तान चाह रहा है कि हम बांग्लादेश चले जाएं, वो भी इसलिए कि जो हाइब्रिड मॉडल पेश किया नजम सेठी ने कि भाई इंडिया के जितने भी मैच हैं हम बाहर खिला देंगे, सपोज करें अगर हम फाइनल में भी आते हैं हम भी बाहर जाकर खेल रहे हैं, ये सारी चीज़ें समझो उनके सामने रख दी, लेकिन वो उसी हठधर्मी पे कायम है कि नहीं जी हमने नहीं जाना। जाहिर है ये एक सियासी मसला है, लेकिन ये कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है तो मैं ये चाहूंगा कि उन्हें जो जवाब देना, हम कहते हैं हमने भी वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करी, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, मेरे अपने ज़ाती ख्यालात हैं, मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान टीम को इंडिया जाना चाहिए, वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, क्रिकेट खेलनी चाहिए, और उन्हें वहां जाकर बताना चाहिए कि भाई ठीक है आप नहीं आए, देखिए हम आ गए, ये हमारा बड़ा दिल है, हम देख लें तो सब कुछ हम ऐसे ही करते आए हैं अब तक, तो ये आखिर में होना यही है। हम यहाँ बैठ के बातें तो कर रहे हैं, ये जज्बाती बातें हैं कि जी वो नहीं आ रहे तो हमें भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता, माजी में भी ऐसी बहुत सी चीजें आई हैं, एंड ये होता है कि पाकिस्तान टीम जो वहां जाकर खेल रही, और इस दफा अगर पाकिस्तान टीम वहां जाकर खेलेगी तो इखलाकी तौर पे जो है ना हम जो है ऊपर होंगे, इंडिया को जो है इखलाकी जो मार है ना वो हम वहां जाके मार सकते हैं, वहां जाके क्रिकेट खेले, अच्छी क्रिकेट खेले, वहां जाके आप इंडिया को इंडिया में जाके हरा कर आए, तो इसमें वो नहीं है। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंडिया का दौरा ना करे, पाकिस्तान को इंडिया जाना चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए, हमने क्रिकेट देखनी चाहिए। ताबिश है आईसीसी शायद एक कमाई के जरिया बनाता दिखाई दे रहा है भारत में, जो अब देख लें कि बहुत ज्यादा जो है फोकस भारत पर आईसीसी करता दिखाई दे रहा है, शायद पैसे का शायद मामला ज्यादा वहां दिखाई देते हैं, क्रिकेट तबाह होती जा रही है, खासकर अगर देख लें तो पाकिस्तान
और इंडिया की बात कर लें तो दोनों ममालिक के दरमियान अगर मैचेस होते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर क्राउड बहुत अच्छा आता है, और फिर दोनों के मरासिम अच्छे होते हैं दोनों मुल्कों के। क्या कहेंगे इस पे, इस एशिया कप और वर्ल्ड कप के हवाले से? बिल्कुल, बात की जाए वर्ल्ड कप के हवाले से तो वाज़े तौर पर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हिंदुस्तान जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान ICC का बड़ा इवेंट जो छोड़ दे। रियाजुद्दीन साहब की अपनी राय थी, उन्होंने दी, हम उनकी राय की कदर करते हैं और हमारे सबके सीनियर हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं है ना। जावेद मियांदाद साहब ने भी अपने बयान में कहा अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो भाड़ में जाए। लेकिन ये सारी बातें बातों की हद तक है शहजाद साहब, यकीन रखना पड़ेगा इस बात पर आपको और मुझे एतबार करना होगा। पाकिस्तान हिंदुस्तान जाएगा, मेगा इवेंट ICC का हिंदुस्तान भी नहीं छोड़ सकता है। 2025 में हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान आना है और ये तमाम तर मामला ICC ने हल करने हैं। और अगर बात की जाए एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से तो वहाँ उनका असर रसूख है, आपको ये चीज़ों को तस्लीम करना होगा। आने वाले दिनों में हम ये भी देख सकते हैं कि ICC में भी जय शाह की जो बातें हैं उन्हें तस्लीम की जाएंगी, इम्कान ये कि वो वहाँ के भी सरबराह बन सकते हैं। तो एहसान वानी के बड़े बयान आ रहे हैं सामने। एहसान वानी साहब से मेरी गुफ्तगू हुई ऑफ द रिकॉर्ड, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हालात अब ऐसे हो गए हैं कि इसमें खुल के बात करना मुनासिब नहीं होगा, और हालात मौजूदा बोर्ड ने ऐसे कर दिए। अगर बात इस वक्त नजम अजीज सेठी साहब कहते हैं कि अगर पाकिस्तान भी नहीं जाएगा हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आ रहे तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माजी में रमीज राजा साहब ने ये बयान दिए थे, वो इन बयान को दिलेरी के साथ बयानात को बयानात की तरह ही दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो नहीं जाएंगे। नजम सेठी का माजी से लेकर अब तक जो किरदार रहा है, उन्होंने हमेशा जो है गुफ्तगू की है, एक अच्छे अंदाज से गुफ्तगू की, उन्होंने बातों को समझाया समझाया है, कभी उन्होंने डट के मुकाबला नहीं किया है। ये जो बयानिया है ये बयानी के हद तक आप तस्वीर तो जो मीटिंग हुई इसमें डट के मुकाबला किया है नजम सेठी ने, डट के मुकाबला ऐसे किया पहले जब उनका पुराना हाइब्रिड मॉडल तस्लीम नहीं किया गया तो इसके बाद एक और मॉडल पेश ही कर दिया, इसको आप डट के मुकाबला कहते हैं। अगर आप डट के करना चाहते हैं तो आप कहें कि आप कहें कि पाकिस्तान में ही तमाम मैचेस होंगे, हिंदुस्तान को आगे खेलने हैं तो आए पाकिस्तान खेले, या फिर हम इस इवेंट से दस्तबरदार हो। उसमें ना पाकिस्तान इस इवेंट से दस्तबरदार हो रहा है, ना पाकिस्तान इस इवेंट की मेजबानी कर रहा है, और पाकिस्तान हिंदुस्तान के ICC का काम है मेजबानी देना, टूर्नामेंट अरेंज करना तो पाकिस्तान का काम है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना किरदार अदा करे, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल भी जिम्मेदारी का अपना जो है वर्मला इजहार नहीं कर रहा है। वाज़ेह तौर पर ये बातें भी सामने आ गई, जय शाह की कोई दिलचस्पी नहीं है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है इन तमाम तर चीजों में जो आपने बात की, ICC का दबाव नजर आता है, ICC का झुकाव नजर आता है, दबाव तो उनका है नहीं, झुकाव का नजर आ रहा है। 38.5% जो आमदनी है जो वर्ल्ड क्रिकेट बोर्ड से आ रही है वो हिंदुस्तान के पास जा रही है। इसके बाद पाकिस्तान को जो फीसद रकम मिलती है वो तकरीबन 4.56 है, तो पाकिस्तान के तो बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है कि पाकिस्तान अपने जो मुतालबा है उसको डट के पेश करे। आया ये हो सकता है कि हमारे जैसे आपके जैसे रियाज साहब जैसे जितने भी एक्सपर्ट हैं वो ये बातें तो कर सकते हैं कि हम वहां नहीं जाएंगे, लेकिन इस बात में सदाकत नहीं है। और रमीज राजा साहब भी इस बात को जानते थे, इसके लिए उन्होंने सिर्फ बातों की हद तक चीजों को किया। नजम अजीज सेठी भी जानते थे, उन्होंने पोजीशन को डिक्लेयर तो किया है लेकिन इस वो पोजीशन पर कायम नहीं। बिल्कुल, इसी पे रियाज साहब से मजीद बात कर लेते हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे? शबाद मीन, बात यह है कि देखें अभी तो सिर्फ बातें चल रही हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले बात की थी ना, ये देखें कौमों की ज़िंदगी में इस तरह के मौके कम आते हैं। आपको भारत मुसलसल लेट डाउन कर रहा है। देखें अगर हम भारत नहीं जाएंगे, कोई एग्जांपल तो हमें सेट करनी चाहिए, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, दुनिया जो है यहाँ ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन जिस तरह से वो मुसलसल आपको लेट डाउन कर रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, आप तो उसी के उस पर चले जाएंगे। अभी बात हो रही थी कि ICC, मैं तो कहता हूँ ICC में भी डोमिनेशन भारत का है, और ICC का जो चेयरमैन है प्रेजिडेंट है वो तो है ही जय शाह, तो मतलब और BCCI खुद मतलब वो कहता है जी हुकूमत, तो आप तो मतलब देखें हमेशा से 12-15 साल से आप देख लें कि भारत हमसे बाइलेटरल सीरीज उसने नहीं खेली, लेकिन आप ये देखें कि हमारी टीमें जो हैं ICC के टूर्नामेंट की मुख्तलिफ फॉर्मेट में मतलब टूर्नामेंट भी जीतती रही हैं, हमारी टीम रैंकिंग में नंबर वन भी रही है, हमारे जो बैटर्स या हमारे जो बॉलर हैं वो टॉप रैंकिंग में 1 से 10 पोजिशन तक रहे हैं। तो भारत जो है मतलब उससे सीरीज ना खेलने के बावजूद हमारे प्लेयर्स और हमारी टीमें जो हैं वो तरक्की कर रही हैं, और हमने PSL शुरू की, दुनिया भर में हमारा एक सॉफ्ट इमेज गया, उसके नतीजे में दुनिया भर की टीमें पाकिस्तान आई, और फिर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीमें जो हैं 20-25 साल के बाद पाकिस्तान आई। सवाल ये पैदा होता है, जो मुद्दा है, जो बेसिक चीज़ है कि भाई भारत क्यों इनकार कर रहा है, कोई जस्टिफिकेशन तो पेश कर देना। अगर तो हम अपने उसमें गलत हैं तो ठीक है, और अगर हम अपने उसमें मकसद में सही हैं और जैसा कि हैं तो फिर आपको कैटेगोरिकली एक जिंदा कौमों की तरह एक आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा।
तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को बिल्कुल कैटेगोरिकली एक मरतबा यहां पे आना चाहिए। ये और बात है कि क्या होगा वो तो हमें भी नहीं पता कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम जाएगी या नहीं जाएगी। मैं तो क्रिकेट हमारा पैशन है और हम जो लोगों के दरमियान रहते हैं और जो लोगों से बातें सुनते हैं और उनके जो तासुरात हैं चाहे वो क्रिकेटर्स हों चाहे आम आवाम हो, वो खुद ये कहते हैं कि जब ये भारत हमें लेट डाउन कर रहा है, वो एशिया कप में नहीं आ रहा, तो हम क्यों जाएं? क्या हम मतलब ये कि दूसरे दर्जे के मुल्क हैं? हम बिल्कुल उनके बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। और आप ये देखें कि हमने हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया है इंडिया को। अभी आप देखें कि हमारे वजीर खारजा जो थे वो इंडिया गए थे, वो और बात है कि क्यों गए थे, किस तरह से गए थे, लेकिन जब एक मेहमान वहां पहुंच जाता है किसी मुल्क में तो उनका ये फर्ज था कि आपको जेस्टर देना चाहिए था, पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, लेकिन उनकी जो कदामत पसंदाना सोच है उन्होंने जो है वो जो मेरिट के हिसाब से प्रोटोकॉल देना चाहिए था वो नहीं दिया। तो समथिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि इंडिया के मतलब जो लोग हैं या ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है जिनकी सोच जो है कदामत पसंदाना है, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान का सीरीज नहीं हो। लेकिन मैं इस बात को समझता हूं और मैं ये मतलब जानता हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे लोग बल्कि सभी ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज हो, इसी तरह इंडिया में भी एक ऐसा तबका है जो ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ सीरीज हो। लेकिन ये सिलसिला कब खत्म होगा? अगर आज आप वो नहीं आता और हम चले जाते हैं वहां पर तो उसके बाद वो कोई और मुतालबा कर देगा, फिर आपको दबाता रहेगा? बात यह नहीं है, बात यह कि कोई जस्टिफिक देखें, एक जमाने में ये होता था कि जी हमारे यहाँ सिक्योरिटी के हालात सही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के हालात सही हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान आ गई हैं, तो कोई जवाब नहीं होना चाहिए इंडिया का। अगर देखें, अगर तो आपके पास जवाब है तो ठीक है, लेकिन बिला जवाब अगर आप कोई हटधर्मी मतलब दिखाता है आपको, तो आप भी तो मतलब वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, आप भी तो मतलब आईसीसी टी20 चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, आप भी तो मतलब रैंकिंग में नंबर वन रह चुके हैं, आपके प्लेयर्स भी इंडिया के ना खेलने के बावजूद आज रैंकिंग में पहली से दसवीं पोजिशन तक है, तो ये जरूर है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चाहे आईसीसी का हो या एसीसी का सबसे ज्यादा गेट मनी देता है, तो अगर जितना हमें नुकसान होगा तो इंडिया को भी नुकसान होगा। ताविश कुछ कह रहे थे आप जी, मुसलसल अगर बात की जाए, रियाज साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान को अपनी एक वाजिब पोजीशन जो है डिक्लेयर करनी होगी, बयानबाजी से मजीद वक्त जाया ना करे, वाजिब तौर पर पोजीशन डिक्लेयर कर दे और इसका मामूली हल और सादा सा लिए के नोटिफिकेशन जारी कर दे पीसीबी और बता दे कि उनकी ये पोजीशन है। और अब नजम अजीज सेठी ने ये कहा है सबसे पहला, क्योंकि गुफ्तगू करने के ये बहस करने का सिलसिला ही खत्म हो जाए ताकि नोटिफिकेशन सामने आ जाए कि पाकिस्तान की ये पोजीशन है। दूसरी बात, अहम बात ये है कि बात की हमारे दोस्त रियाजुद्दीन साहब ने, सीनियर हमारे मोहसिन ने, उन्होंने गुफ्तगू की कि तमाम दुनिया की टीमें आ चुकी हैं, जो तमाम टीमें दुनिया की आई हैं आपने भी देखा, सात जो नामवर खिलाड़ी थे न्यूजीलैंड के वो नहीं थे पाकिस्तान नहीं, देखिए तभी इससे तो दूसरी चीज है कि वो अपने खिलाड़ियों को वहां पर इंडिया में अपनी मौसम से एडजस्ट करने के लिए उन्होंने नेशनल ड्यूटी वो अदा करने के बजाय वो आईपीएल में मसरूफ थे, तजुर्बा दिला रहे थे अपने सीनियर प्लेयर्स को वहां पर, मतलब क्योंकि वर्ल्ड कप उन्होंने जो खेलने जाना है उनकी टीम के साथ जाना, उनका मकसद ये था कि अपने चार से पांच प्लेयर्स को बनाना, चार से पांच प्लेयर जो है उन्होंने निकाल लिए इस सीरीज से। शॉर्टर फॉर्मेट में क्रिकेट खेलकर तजर्बा हासिल करना था या फिर पाकिस्तान नहीं भेजना था, एक ये सवाल हो गया। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां नहीं आई और उनके दीगर लीग्स में उनके नौजवान मसरूफ दिखाई दिए, इंग्लैंड की पूरी स्ट्रेंथ यहां नहीं आती है, साउथ अफ्रीकन की टीम आती है तो उनकी पूरी स्ट्रेंथ नहीं आती है, क्या आप इस तरह से इंसाफ कर रहे हैं? आप तमाम ही प्लेयर एहतराम के साथ ताबिश माशाल्लाह बड़े अच्छे तबसरे करते रहे, इनका भी माशाल्लाह बहुत अच्छे, बड़ी खुशी होती है इनको देख के। देखें बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर इंग्लैंड की टीम जो है 25 साल से नहीं आ रही थी, न्यूजीलैंड नहीं आ रही थी, ऑस्ट्रेलिया नहीं आ रही थी, हमें इससे गर्व नहीं है कि उनके खिलाड़ी आए नहीं आए, लेकिन दुनिया को ये पता है कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और मतलब न्यूजीलैंड की टीम में पाकिस्तानी, हमारा मसला ये नहीं था कि उनके कौन से खिलाड़ी आते नहीं आते, हमारी कामयाबी ये थी कि वो टीम आए। देखे ना, हमें तो टीम का मसला था, उससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, उससे क्या हुआ कि आप दुनिया भर में ये एक सॉफ्ट इमेज गया, पर लोगों को पता चला कि नहीं यार पाकिस्तान जो है ऐसी कंट्री नहीं है, यहाँ पे मतलब एक पुरान मुल्क है और यहाँ पे सीरीज हो सकती है, और आप देखें न्यूजीलैंड कितने आराम से यहाँ पे खेल के गई है, तो ये तो आपकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा हो रहा है। दुनिया ये नहीं देखती कौन आया नहीं आया, अगर आप सिर्फ न्यूजीलैंड के हवाले से बात करते हैं, ये सही है ताबिश का कहना कि दुनिया की जितनी भी टीमें आती हैं उनकी पूरे स्ट्रेंथ के साथ आना चाहिए, लेकिन हर एक के अपने टारगेट होते हैं। अब देखिए न्यूजीलैंड की टीम ने इस वक्त से कितना अच्छा फायदा उठाया, उन्होंने अपने सीनियर खिलाड़ियों को इंडिया भेजा ताकि वर्ल्ड कप होने वाला वहां अपनी वहां की जो कंडीशन है उससे वहां की टीमों को समझे। रियाज साहब आप इस हवाले से बताइए कलामी की माजरत किस तरीके से देखने, नतायज भी तो सामने नहीं आए, पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड ने खेला कई के बाद, तकरीबन 17 साल के बाद पाकिस्तान के खिलाफ खेला इंग्लैंड ने, नतीजे पाकिस्तान के हक में नहीं आए, सात टी20 मैचेस में से चार वो जीत गए।
है, इसके बाद पाकिस्तान को शिकस्त दे रहे हैं, आपको चले जाती है। आपके पास न्यूजीलैंड की जो टीम आती है वो जो है T20 सीरीज बराबर कर देती है, आप व्हाइट वॉश नहीं कर पाते हैं, आप अपनी पहली पोजीशन को सिर्फ 48 घंटे में रिटेन नहीं कर पाते। हमने तो जब से क्रिकेट पाकिस्तान की टीम खेली उस वक्त से अब तक हमने एक पोजीशन हासिल की ही नहीं थी, हमने अगर 48 घंटे के लिए भी हासिल कर लिया उस पर भी जो दूसरी राय आ रही है सबकी। जावेद भाई से मौजूद के साथ इनका टाइम जो हम ले रहे हैं, नहीं जावेद आपसे पहले एक ये बता दें, नजम सिटी के बयान पे उन्होंने जो अभी कहा है कि एक माह के अंदर फैसला हो जाएगा, मैं बतौर 3 साल के लिए चेयरमैन बनता दिखाई दे रहा हूँ, क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि हालात तो ऐसे नजर नहीं आ रहे। इसको सिर्फ वो दीवाने का जो ख्वाब है ना वो कह सकते हैं, या अपना इमेज बढ़ाना चाह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, एशियन क्रिकेट काउंसिल जा रहा हूँ, इंडिया जाऊँगा, ICC में जाऊँगा, ये सिर्फ अपना वो एक स्ट्रेटी होती है दबाव डालने की। बकाया ये ताबिश भाई और रियाज भाई जिस बहस में उलझ गए, ये सबसे अच्छी बात है कि जैसे रियाज भाई ने कहा है कि दुनिया की तमाम टीमें तकरीबन बड़ी टीमें आ गई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान सब आ गई हैं, अब प्लेयर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें प्लेयर्स तो हमारे पास, जो हमारा PSL चला है उसमें भी दुनिया के तमाम बड़े बड़े प्लेयर्स थे, ये नहीं होता है कि कुछ प्लेयर जो है इंडिया भेज दिए, न्यूजीलैंड ने या इंग्लैंड ने, कि वो वर्ल्ड कप की तैयारी करके, ऐसा नहीं होता। आजकल हर प्लेयर जो है ना पैसा चाहता है, वो पैसा कमा रहे हैं, वहाँ वो अवेलेबल नहीं थे, उन्होंने यहाँ टीम भेज दी, टीमें आई, हम उनके साथ जिस तरीके से हमने खेला था क्रिकेट हो रही है हमारे इंडिया के। देखें इंडिया आज से नहीं, हमारे साथ सीरीज भी नहीं खेल रहा, लेकिन सिर्फ उसकी एक ही रट है कि जी वहाँ हालात साजगार नहीं है। अब हालात साजगार नहीं है ये कोई वजह नहीं ना आने की, देखिए दुनिया जानती है, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है और वो मुट्ठी में पूरी दुनिया आपके, सबको पता है किस मुल्क के क्या हालात हैं, हमसे ज्यादा हालात इंडिया के खराब है। आप कश्मीर को उठाकर देख लें, वो G20 का इजलास बुला रहे हैं और वहां कर्फ्यू लगाकर जो है उसे इजलास बुलाना है, ये तो हाल है उस मुल्क का कि वो कह रहा है कि जी हम नहीं जा रहे, हमारे हालात, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हालात ठीक है। असल में एक हिंदुत्व जो ये नई सोच आई है ना ये मोदी की, असल वजह वो है कि हमने टीम नहीं भेजनी, और तो कोई है ही नहीं, उनके पास रीजन भी नहीं है। जब भी नजम सेठी की जेशा से बात हुई है पहले भी ये चीजें आती रही है पाकिस्तान के साथ, मसाइल होते रहे हैं जावेद साहब, मोइन भाई इस दफा सख्ती से, और नजम सेठी ने ये भी कहा मैं जब भी अजय शाह से मिलता हूं उसने हमेशा मुझे यही कहा, जब मैंने उसे पूछा तो उसने हंस के कहा कि यार देखते हैं गवर्नमेंट से बात चली, और तो कोई इसमें कोई बात है नहीं। असल में मसला तो यही है ना, देखें इस सिलसिले को एक दफे हल होना चाहिए, और अगर हम ICC की तरफ मतलब नजरें इस उम्मीद पे जमाएंगे कि वो शायद हमारे लिए अच्छा करेगा, नहीं करेगा। अगर हम ACC की तरफ जमाएंगे नजरें जमाएंगे वो आप सोचेंगे करेगा, कभी भी नहीं करेगा। उन्होंने तो जय शाह नहीं तो पिछले साल एक बयान दिया था कि हमारी टीम जो एशिया कप में नहीं जाएगी, वहीं से तो एक हलचल पैदा हुई थी, वहीं से तो मसाइल पैदा हुए थे, उनको इतने अरसे पहले ये सब बात करने की क्या जरूरत थी, जब एक दौरा बाकायदा दौरा कह रहा हूँ, जब एक एशिया कप शेड्यूल था तो उसके मुताबिक मतलब उन्हें अमल करना चाहिए था। और जय शाह की तो पोजिशन ऐसी थी कि आप ICC को लीड कर रहे हैं, आपकी तरफ से तो इस तरह का कंट्रोवर्शियल बयान आना ही नहीं चाहिए था, इसका मतलब ये कि आपकी नीयतें ही खराब हैं, आप जो है पाकिस्तान को लेट डाउन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में एशिया कप ना हो, और उस दुनिया देखें दुनिया ये नहीं देखेगी कि वहां पे क्या था नहीं था, लेकिन दुनिया ये समझेगी कि पाकिस्तान में अगर नहीं हुआ तो यकीनन कोई नेगेटिव वजह होगी, और वहां पे नहीं हो सकता था इसलिए नहीं हुआ, तो वो हमारी डिस्क्रेडिबिलिटी में जाएगा। तो ये चीज जो है ना ये क्रेडिबिलिटी हमारी मुतासिर होगी। रियाज भाई ये चीजें कोई मुतासिर नहीं होगी, सबको पता है, तो दुनिया जानती है ये, कोई भी इस चीज पे कोई, जब पाकिस्तान इंडिया में जाकर खेलेगा तो दुनिया ये कहेगी कि देखो ये वो इंडिया है जो इतने अच्छे साजगार हालात होते भी पाकिस्तान नहीं जाता, पाकिस्तान इतना बड़ा और इखलाक वाले प्यार करने वाले खेल से जो है देखो उन्होंने अपनी टीम भेज दी, ये मैसेज जाएगा, ये मैसेज कभी भी नहीं जाएगा कि वो डर गए या दब गए, ऐसा नहीं होता है। 15 साल से पाकिस्तान की टीमें वहां जाती रही हैं, हॉकी की टीमें भी गई हैं और दूसरी हमारी क्रिकेट की टीम खुद गई है वहां पे 2013 वो तो सारी चीजें उनकी बर्च की टीम आ रही है, फलां आ रही है, वो सब आ रही है, लेकिन मैं बात क्रिकेट की, हमारी टीम गई है 2013 में, वो तो 15 साल से नहीं आ रहे ना यहाँ पे, हमारी टीमें तो फिर भी गई है क्रिकेट और बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगु को मजीद जारी रखते हैं।
बिल्कुल, वफे से पहले जिस तरह बात हो रही थी नजम सिटी के हवाले से, मजीद भी रियाज साहब से बात कर लेते हैं नजम सिटी के हवाले से। नजम साहब ने एक बयान अभी दिया है रियाजुद्दीन साहब, उस पर मजीद क्या कहेंगे? जावेद साहब ने तो तशरी कर दी, आप क्या कहेंगे? जावेद साहब ने तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी तशरी की थी उसकी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये यकीनन उनकी मतलब प्लानिंग भी होगी, उनकी ख्वाहिश भी होगी और होनी भी चाहिए, इसलिए कि देखें जिस तरह से पीएसएल को उन्होंने परवान चढ़ाने में कर लेकिन इसमें किया। एक चीज है, जिस तरह मुल्क के हालात चल रहे हैं, सियासत के मामला चल रहे हैं, तो समझते हैं कि जिस तरह उन्होंने ये बयान दिया नजम सिटी साहब ने, मैं उसी तरफ आ रहा था। चलें आप कि देखें, मतलब उनकी ये ख्वाहिश भी हो सकती है, उनकी ये प्लानिंग भी हो सकती है, और उनमें ये कैपेबिलिटी भी है, उनमें ये कैपेसिटी भी है, उनका मतलब ये विजन भी है, उनकी एक्सपर्टीज़ भी है, उनका एक्सपोजर भी है, उनका एक्सपीरियंस भी है कि वो मतलब ये कि इस तरह से संभाल सकते हैं। लेकिन बात आपकी जो आपने अभी सवाल रेस किया, वही मैं कहने जा रहा था कि देखें अभी तो अनसर्टिनिटी है, मतलब बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हमारी जो पॉलिटिकल मामलात हैं वो है, हमें पता ही नहीं है कि आइंदा 15 दिन के बाद क्या होगा, आइंदा हफ्ते क्या होगा। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में मतलब अच्छे हालात पैदा करे और सब लोगों के लिए अच्छा करे। तो कहने का मकसद ये है कि देखेंगे वेट एंड सी के आगे क्या होता है। तो हमारे यहाँ तो देखें रिकॉर्ड आप अगर उठा के देख लें, ट्रैक रिकॉर्ड, जो हुकूमतें आती हैं वो अपना मतलब के बंदा लेके आती हैं जिससे उनका कंफर्ट लेवल होता है, ताकि वो उनकी बात को मान सके, उसकी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाया जा सके। रह गई बात ये कि नजम सेठी आते हैं या नहीं आते, वो तो एक अलग बात है, और मैं ये समझता हूँ कि वो तो आइंदा आने वाले दिन बताएंगे कि वही होंगे या कोई और होगा, इसलिए कि हमारे मुल्क की जो पॉलिटिकल मामलात हैं वो बिल्कुल मतलब ये कि गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को न सिर्फ ताबत सलामत रखे, बल्कि यहाँ पे अच्छे से अच्छे हालात पैदा करे, सबके लिए अमन अमान कायम हो। रह गई बात, देखें जो कोई भी आता है, हमें इससे मकसद नहीं, नजम सेठी साहब आ जाते हैं बहुत अच्छी बात है, कोई आता है, लेकिन हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो जो है इस तरह की होनी चाहिए कि हम मतलब दुनिया क्रिकेट में इज्जत और वक़ार के साथ अपने काम जो है लगा सकें। अब बार बार इंडिया की बात होती है, तो देखें हम भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम इंडिया जाए और अखलाकी जवाब वहाँ पे वो पैदा करे कि जी देखिए आपकी टीम दुनिया ही, हम आ गए। तो भाई ये कब तक आप करोगे? इससे पहले भी तो आप कर चुके हो, कहीं तो आपको एक एग्जांपल सेट करना पड़ेगा। जब आप एक एग्जांपल सेट कर देंगे दुनिया में जो है, फिर आप जो है उस मुल्क के मतलब साथ जो है अच्छे डिसीजन ले सकेंगे। इसलिए कि जब तक आप मतलब बैकफुट पे जाते रहेंगे, वो आपके साथ इसी तरह से करता रहेगा जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें भी ये मतलब ख्वाहिश है हमारी कि पाकिस्तान की टीम जो है जरूर जाए वहां पे, और अगर वो नहीं भी आते हैं फिर भी जाए, चलो जाए। लेकिन इससे पहले भी बात करेंगे, जावेद इकबाल भट्टी से थोड़ी सी शान मसूद के हवाले से बात कर लें। शान मसूद के हवाले से काफी आवाजें उन्होंने उठाई थी इसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर, गो के उन्हें चांस जरूर मिला लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए। अभी दोबारा हम देखते हैं कि काउंटी क्रिकेट का आगाज हुआ, दोबारा शान मसूद जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं वहां पर, वो रन कर रहे हैं। फिर साथ साथ अगर हम बात करें नौजवान फास्ट बॉलर अब्बास की, तो बड़ा जबरदस्त वहां परफॉर्म कर रहे हैं। हसन अली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वहां पर, क्या कहेंगे इन प्लेयर्स के हवाले से? मुस्तकबिल इनके प्लेयर्स का कैसा देख रहे हैं, अब्बास, शान मसूद और हसन अली का? देखिए मोइन भाई, देखिए मुस्तकबिल आप क्या कह सकते हैं, शान मसूद देखें पूरे मकसद ये मैचेस सीरीज जितनी भी टीमें आई केला, कहीं भी उसने बड़ी इनिंग नहीं खेल के दी, कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं उसके रिकॉर्ड पे कि हम कहें कि शान मसूद को यहाँ बैठ के डिफेंड करें। जिस तरीके से उसने काउंटी में परफॉर्म किया था लास्ट ईयर, अब वो जाके दोबारा क्वांटी ज्वाइन किए तो वहाँ वो रन कर रहा है, वो भी इसीलिए गया क्योंकि मिकी आर्थर भी वहीं है। हो सकता है वो चाहे कि मिकी आर्थर की कोई आशीर्वाद मिल जाए कि मैं टीम के साथ रहूं। और बकाया जिस तरीके से आप अब्बास की कह रहे हैं, अब्बास तो नो डाउट अब्बास की हुई है उसके साथ, तो बहुत ज्यादा लड़के के साथ ये जितनी भी सीरीज थी न्यूजीलैंड इंग्लैंड हो गया, आपको पता हो आगे से स्विंग करने वाला बॉलर है, आगे से स्विंग करने वाला इनके पास एक बॉलर भी नहीं था, इन्होंने जितने भी बॉलर खिलाए वही पुराने बॉलर खिलाए। असर आप चांस देना तो अब्बास को देते, सीनियर बॉलर है उसके, देखे नाम के साथ विकटें बहुत लगी हुई है। अब जैसे वो इंग्लैंड गया हर मैच में 6, 5, 3, 4 ये आउट कर रहा है। और हसन अली की, हसन अली में बॉलिंग में अभी तक उसने काउंटी में कोई परफॉर्मेंस नहीं, उसका मुस्तकबिल बिल्कुल कोई नजर ताबनाक नजर नहीं आ रहा। दो एक विकेट लेना वो खबरों में तो नहीं ना आ रही। और हाँ उसने रन कर दिए वहां, उन्होंने सुना कि 50 कर दिए उन्हें काउंटी की तरफ से खेलते हुए। बस ये है बकाया जितने हमारे पास फास्ट बॉलर आ गए तो इनका चांस अब बन रहा मुस्तकबिल में। मैं इंट्रो में कह रहा था कि मेरे जराए के मुताबिक सरफराज है टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो स्क्वाड पाकिस्तानी वर्ल्ड कप खेलने जाएगा। आप किस नज़र से देख रहे हैं कि आया आपको लगता है कि सरफराज अहमद जो टीम का हिस्सा बनते दिखाई देंगे? बिल्कुल ऐसा माहौल लग रहा है और ज़राए की जानब से यही खबरें सामने आ रही हैं। आपके ज़राए जो हैं वो उनकी
जानिब से जो खबर बताई जा रही है उसमें सदाकत है और इसे हम तस्लीम भी कर सकते हैं। इससे कबल आप जानते हैं एक निजी तकरीब में वो मौजूद थे जहां उनसे सवाल किया गया साफियों की जानिब से, तो उन्होंने कहा मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं और मेरा असल हदफ वर्ल्ड कप नहीं है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी जानिब हमने देखा कि सोशल मीडिया पर जब टीमें बनाई जा रही थी तो वहाँ सरफराज का ना जाने क्यों जिक्र था, लेकिन उनकी खातिर का इस तरह ना पी एस एल में परफॉर्मेंस रही ना उस तरह से वो परफॉर्म कर पा रहे हैं। दूसरी जानिब हमने देखा जिस तरह से वो उससे कबल ईद से पहले मीडिया के मुख्तलिफ नुमाइंदों को इंटरव्यू देते हुए दिखाई दे रहे थे, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में वो दिखाई दे रहे थे, लेकिन आजकल वो साफियों के मैसेज नहीं देखते हैं, उनके जवाब मैसेजेस के नहीं देते हुए दिखाई देते हैं। इन तमाम तर चीज़ों के बाद हमने ये भी देखा कि हाल ही में उन्होंने एक निजी टीवी चैनल के साफी को इंटरव्यू दिया और वो भी रिकॉर्डेड इंटरव्यू था जो कुछ दिनों के बाद जो है ऑनियर हुआ, काफ़ी दिनों के बाद ऑनियर हुआ। इन तमाम तर चीज़ों के बाद एक अहम पेशरफ़ इस केस में यहाँ आई है कि उनकी मुलाकात हुई है, उनका रابطہ हुआ है और रابطہ हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर है मिकी आथर, उनसे हुआ है, जिसके बाद एक ग्रीन सिग्नल उन्हें मिल गया है। ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं। बात की जा रही थी हमारे दोस्तों की जानिब से नजम अजीज सेठी साहब के हवाले से कि आया उनकी नौकरी जो है वो चलती रहेगी या नहीं चलेगी, तो इनका सबसे अहम इम्तिहान जो है वो आने वाली 15 तारीख को 15 मई को ACC फैसला कर देगा पाकिस्तान इस इवेंट जो एशिया कप है उसकी मेज़बानी करेगा या नहीं करेगा, वाजे तौर पर बता दिया जाएगा। इसके बाद देखना होगा कि आया नजम सेठी को कंटिन्यू किया जाता है या नहीं किया जाता है। यह इनका ये वाला मामला भी इख्तिताम पज़ीर हो गया। बात की जाए शान के हवाले से तो शान की खातिर का कोई परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, लेकिन जब कभी सोशल मीडिया पे टीम जैसे बनती है जिसमें सरफराज का जिक्र होता है हम हमेशा देखते हैं शान का जिक्र होता है, लेकिन ना तो बाबर आजम ना तो बाबर आजम के साथ मौजूद लोग उन पर उस तरह एतमाद करते हैं। और इस बात का वर्मला इजहार कर दिया है तीसरे ओडीआई में इमामुल हक ने कि मजीद तब्दीली करने की गुंजाइश नहीं है, टाइम कम है। भुगतना तो फिर बहुत कुछ पड़ा ना ताबिश, मैचेस उसे नहीं मिले। ताबिश ने दो लाइनों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, तो उसे दो लाइनों के बाद दो मैचेस जो है ना वो बाहर थे। लेकिन साबिक कप्तान के घर पर जब दावत हुई तो बाबर के साथ जो खिलाड़ी मौजूद थे एक होटल में वो इमामुल हकी थे और 8 मिनट का फासला था शाहिद खान आफरीदी के घर से उस होटल तक। इसमें तो वादे कर दिया ना शाहिद खान आफरीदी ने, वादे कर दिया कि मैंने शाहिद ने मुझसे पूछा दावत करनी है, हमने कर दी खिलाड़ियों के लिए, वो मर्जी थी कि कोई भी खिलाड़ी जाए ना जाए मेरी बात तो मुकम्मल करने दे। इन्हीं तमाम चीज़ों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इजहार कर चुके हैं इमामुल हक के मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वर्ल्ड कप में इमाम को तो ड्रॉप नहीं किया जाएगा। इमाम कैसे ड्रॉप होंगे, वो तो बड़े जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, टीम का हिस्सा बने हुए हैं। बता रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में जो ओपनिंग प्लेयर है पाकिस्तान का वो इमाम और फखर पर ही अहम जिम्मेदारी आयद होगी। तो आप अगर बेंच में किसी को देख रहे हैं, जैसे 2011 के वर्ल्ड कप में हमने देखा था अहमद शहजाद को बेंच होता हुआ, तो आप देख रहे हैं इस मरतबा शान मसूद को बेंच। अच्छा जावेद साहब, शान मसूद की काफी बातें हो गई, मैंने जिस तरह सऊद शकील के हवाले से बात की, क्या समझते हैं कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में सऊद शकील को भी हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम देख लें तो हर दफा कोई ना कोई ऐसा प्लेयर से बाहर से आता हुआ दिखाई देता है, टीम स्क्वाड का हिस्सा बन जाता है। इस दफा कुछ चांसेस है, हारिस सोहेल के साथ शायद बनते दिखाई दे रहे थे, लेकिन हमने देखा है कि इंजर्ड होने के बाद शायद वो टीम से बाहर हुए, फिर टीम से बाहर होने के बाद काफी अरसा अब शायद इंजरी का शिकार भी रहेंगे वो। लेकिन सऊद शकील एक ऐसे बैटर्स हैं जो अगर नंबर 6 पे उन्हें खिलाया जाए तो पाकिस्तान के लिए वो ज्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं। मोइन भाई, इसी प्लेटफॉर्म से हमने सऊद शकील की यही बात की थी कि टीम तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन आपको इस बैटिंग लैंड में जो है ना सऊद शकील को डालना होगा। अगर जो किसी ज़राए से उससे रابطہ हुआ है, सऊद शकील हो गए या सरफराज, अगर ये दो लड़के आप टीम में डाल देते हैं तो आपकी टीम कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आगे जो इवेंट आपने खेलने जाना है वो इंडिया में खेलने जाना है और सऊद शकील जैसे बैट्समैन की वहाँ आपको अशद ज़रूरत होगी, क्योंकि किसी दिन भी अगर ऊपर से 2-3 प्लेयर जो अपने ऊपर खेलते हैं वो कलेप्स कर गए तो आपको वहाँ पे सऊद शकील का किरदार नज़र आएगा, आपको लाजमी उसको लेकर जाना चाहिए। और जिस तरीके से आपके ज़राए बता रहे हैं, हमारे ज़राए भी ये बता रहे हैं कि जिस दिन से मिक्की से बात हुई है सैफी से, उस दिन से सरफराज अहमद मोहतात हो गए, मीडिया से आपके मैसेज भी नहीं देखते, वो भी मुझे पता है। लेकिन ये है कि हो सकता है, हमारी भी ये ख्वाहिश है, क्योंकि तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं है, आप तजर्बे बड़े बदल नहीं है रियाद के हिसाब से, क्योंकि तजुर्बेकार ज्यादा है। हम सबसे इनसे बात कर लेते हैं। रियाद साहब, जिस तरह ग्राउंड के अंदर तजुर्बे की बात हो रही है, हमारे भी तजुर्बे की बात हो रही है, तो ग्राउंड के अंदर बाबर आजम को तजुर्बा देने के लिए अगर सरफराज टीम का हिस्सा होंगे और कप्तानी में मशवरा देंगे तो कितना पाकिस्तान को फायदा होगा? होगा तो बहुत अच्छा, बड़ा मतलब ये आइडियल सिचुएशन होगी,
लेकिन देखें इसके चांसेस जो हैं इम्कान बहुत कम हैं। मिक्की ऑर्थर के साथ सरफराज का कंफर्ट लेवल होना एक अलग बात है, लेकिन मैं अभी भी इस चीज़ को समझता हूँ, हालांकि ये कोई मतलब खुशी से नहीं कर रहा, लेकिन टीम के अंदर मिक्की ऑर्थर से तो उनका सरफराज का कंफर्ट लेवल होगा, अच्छी बात है, और मेरी दुआ भी है कि वो टीम में बाबर आजम से नहीं है लेकिन हाँ दूसरे खिलाड़ियों से जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनके साथ वो कंफर्ट लेवल नहीं, लेकिन बाबर आजम है, रियाज साहब है, हर दफा यही कहते नजर आए हैं, बाबर आजम हमेशा ये कहते आए हैं कि अगर सरफराज हमारे साथ टीम का हिस्सा होते हैं तो मुझे कप्तानी में बहुत हेल्प आउट होती दिखाई देती है, अक्सर इंटरव्यू में उन्होंने खुदा करे ऐसे ही हो, लेकिन जब वो 3 साल से टीम के कप्तान थे और उन्हीं की कप्तानी में वो बाहर थे तो वो तो उन्होंने एक प्रैक्टिकल एक चीज शो कर दी। और आपको याद है कि जब मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और आप भी वहां पे यकीनन होंगे, जब बाबर आजम से सवाल किया गया था कि आपको कोई कलक महसूस होता है या मतलब इसी तरह का जुमला था कि सरफराज टीम के साथ शामिल नहीं रहे आपकी कप्तानी में, कर लिया था वहां तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो तो बाद में किया था, लेकिन वहां पे उन्होंने कहा कि नहीं जी मुझे कोई मतलब वो नहीं पड़ा, तो जो दिल की बात होती है वो निकलती है। मैं मतलब बाबर आजम की यानी आप समझते हो जज्बात में वो गलत बात बोलकर चले गए बाबर आजम, नहीं मतलब जज्बात में नहीं कही थी, कप्तान है इतने बड़े मजमे के सामने बैठे हैं, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो यकीनन दिल से क्योंकि, लेकिन हम उनकी बाबर आजम की इन तमाम बातों के बावजूद रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए कि वो हमारे वतन की शान है, हमारे मुल्क की शान है, उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाए हैं आईसीसी से उनको अवार्ड मिले वो हमारे लिए फख्र की बात है, और हमारी दुआ है कि वो बहसे बेटर भी इसी तरह अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते रहें। लेकिन देखें हर आदमी जो है मतलब जरूरी नहीं होता किसी के लिए वो उसका कंफर्ट लेवल है या नहीं है, अगर मतलब ये कि उनकी खिलाने की ऐसी ख्वाहिश होती या ऐसा जज्बा होता या जो आदमी बाज़ूकात मुंह से कह रहा होता है तो वो कुछ और वजह से कह रहा होता ताकि मीडिया पर गलत तासुर ना जाए। मैं ये समझता हूँ कि अगर उनकी बात ये हकीकत है फिर तो उनको मैं समझता हूँ 11 में होना चाहिए, जिस तरह का सरफराज प्लेयर है उसको तो 11 में शामिल होना चाहिए, और उसको तो फिर जो 3 साल से वो बाहर था 2 साल उसको तो बाहर भी नहीं रहना चाहिए था, और परफॉर्मेंस भी नहीं है ना, नहीं परफॉर्मेंस की बात नहीं है, जिस वक्त उनको बाहर किया गया है तो आप टेस्ट और वनडे से तो बाहर कर सकते थे, लेकिन जो आपकी परफॉर्मेंस T20 से आपको बाहर नहीं करना चाहिए था, एक फॉर्मेट का और उसको एक फॉर्मेट का तो मतलब कप्तान रहने देना चाहिए था। बात यह है कि देखें मैं फिर बात वही बात कह रहा हूँ कि मिक्की ऑर्थर से तो उनका कंफर्ट लेवल होगा, जो उन्होंने मतलब उनको बुला के और मिलके एक मतलब खबर दुनिया में चली गई कि ये मिले, लेकिन वो कंफर्ट लेवल शायद उनको टीम के अंदर ना मिले और यही चीज शायद उनकी रुकावट बन सकती है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है हमारी दुआ है कि जिस तरह के प्लेयर हैं उनको टीम में होना चाहिए। ताबिश कुछ कह रहे थे जी जी मैं यही कह रहा था, बिल्कुल बजा फरमाया जिस अंदाज से गुफ्तगू की जनाब रियाजुद्दीन साहब ने, लेकिन इस बात में जो है झोल नजर आ रहा है माजरत के साथ, जिस तरह से रियाज साहब ने कहा कि प्लेइंग 11 में सरफराज को होना चाहिए, वो अपने बयान में अपनी बात की खुद ही जो है तायद कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि सरफराज को प्लेइंग 11 में होना चाहिए लेकिन T20 में वर्ल्ड कप में उनकी जगह नहीं बनती है। बड़े अच्छे अंदाज से मोहम्मद रिजवान ने विद बैट और ग्लव्स जो है सरफराज को काफी पीछे छोड़ दिया है, अब उनका स्क्वाड में जगह नहीं बनती है। सऊद शकील की आपने लेकिन आप वनडे कैरियर की अगर बात कर रहे हैं रिजवान की, तो रिजवान जिस किस्म की बैटिंग कर रहे हैं शायद हालिया तो आपको 3-4 इनिंग्स नजर आ रही है रिजवान की, लेकिन आप पास में चले जाए तो रिजवान की वनडे में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, हासिल कर चुके हैं जनाब कप्तान का एतमाद वो हासिल कर चुके हैं, जब कप्तान का एतमाद तो वो 3 साल पहले हासिल कर चुके हैं, जब वो कर चुके हैं तो उनकी जगह बन गई है पहली बात। दूसरी बात आपने गई सऊद शकील की जगह बनती है नहीं बनती है, जिस स्क्वाड में इफ्तिखार को बेंच किया जाए तो सऊद शकील बाहर से आना उनकी गुंजाइश नहीं बनती है, तो ये दोनों खिलाड़ी जो हैं इनको आया आप सोशल मीडिया की टीमों में तो शामिल कर सकते हैं, वर्ल्ड कप के दौरान ये दोनों खिलाड़ी आपके साथ मौजूद नहीं होंगे। बल्ले आपके जावेद साहब आपके आपकी क्या है? लेकिन ताबिश भाई जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे ज़राए बता रहे हैं मिक्की आर्थर ने सरफराज से रब्ता किया, अब उन्होंने जो है मीडिया से बात करना कम कर दी, सारी चीज़ें आप खुद ही अपने मुँह से कह रहे हैं, लेकिन आप ये बता दें हमारा जो कोचिंग स्टाफ है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है? मिक्की आर्थर। मिक्की आर्थर ही कोच लाया है, मिक्की आर्थर जो भी प्रोग्राम दे रहे हैं ना बाबर सिर्फ उस पर इंप्लीमेंट कर रहा है। साथ साथ जावेद साहब सबसे ज्यादा तजुर्बा अगर देखें तो सरफराज अहमद को इंडिया में इंडिया की 19 वर्ल्ड कप में उसने चैंपियन बनवाया, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जितवाई पाकिस्तान के लिए सरफराज ने, उसके साथ दीगर मिक्की आर्थर जो है मिक्की आर्थर यही चाह रहा, मिक्की आर्थर आपको पता बहुत दूर अंदेश कोच है, उसे यही चीज चाहिए, उसे यही चाहिए, उसे तजर्बे का प्लेयर चाहिए, उसे ये भी पता उसने पूरा इसका बायोडाटा मिक्की आर्थर से ज्यादा आप भी नहीं जानते हो जितना उसने उसको रिसर्च किया, क्योंकि उसने अंडर 19 का वर्ल्ड कप जिता कर दिया, चैंपियन ट्रॉफी जिता कर दिए,
और जिस तरीके से जिस नंबर पर आके स्पिनर्स के खिलाफ वो डोमिनेट करता है, ऐसा प्लेयर लाजमी चाहिए मिकी आर्थर को, और जो प्लान मिकी देगा बाबर ने उसी पे इंप्लीमेंट कर रहा है। और एक बात और सुन ले, आज तक वर्ल्ड कप की ना टीम का ना कप्तान का ऐलान नहीं हुआ। नजम सेठी ने सिर्फ यही कहा था जब तक टीम जीतती जाएगी बाबर कप्तान है। अभी तक बाबर गोम गो की कैफियत में उसे जो मिकी प्रोग्राम देगा वो उस पर इम्प्लीमेंट करेगा। अभी जो ये मीडिया के हवाले से सरफास के मुतालिक बात हो रही थी, तो अभी जो न्यूजीलैंड की सीरीज हो रही थी तो आखिरी जो वनडे था उसमें मैंने सरफास से मिला और मैंने कहा कि आपको हमारे मतलब उसके लिए इंटरव्यू चाहिए, इससे पहले भी आप इंटरव्यू दे चुके हैं। तो सरफाज अहमद ने कहा कि जो मीडिया डायरेक्टर हैं समी बरनी साहब से पूछ लें। तो फिर मैंने समी बरनी साहब से बात की, सरफाज भी वहाँ मौजूद थे मीडिया बॉक्स में। तो फिर समी बरनी साहब ने कहा कि ये सीरीज़ ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप मतलब इनसे बात कर लीजिएगा। तो बहरहाल अब मैं उनसे जो है वो सीरीज़ ख़त्म हो गई, अब मैं सरफाज अहमद से ज़ाहिर है मैं रब्ता करने की कोशिश करूँगा, और यकीन अगर वो सुन रहे हैं तो वो भी समझ जाएंगे। सरफाज बिल्कुल ये ताबिश ने भी बात सही कही है सरफाज के हवाले से, मैंने भी कोशिशें की हैं कि उन्होंने मीडिया के फ़ोन बहुत कम अटेंड करने कम कर दिए, चूँकि मैं अब ऑन एयर कह रहा हूँ अपने चैनल की तरफ से, चूँकि मेरी बाकायदा उनसे बात हो गई और दोनों ने हामी भरी। समी बरनी साहब ने ये कहा जो कि बहुत ही अच्छे हमारे मीडिया डायरेक्टर हैं पीसीबी के, और बड़े मामलात सुलझाने का वो फन जानते हैं, और नहीं उनकी जो एक्सपीरियंस है उनका जो जाहिर है एक्सपोजर है वो बड़े पुराने मतलब ये कि जाहिर मीडिया से उनका ताल्लुक रहा है, और फिर इससे पहले आईसीसी में भी काम कर चुके हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से वो हैंडल करने की सलाहियत रखते हैं। तो बहरहाल चूँकि मेरी समी बरनी साहब से बात हुई और फिर सरफराज से बात हुई, तो अब मैं जो है रब्ता करूँगा सरफराज अहमद से, और मुझे यकीन है कि वो जो है हमसे बात करेंगे मीडिया से। तो फिर देखेंगे कि जी वो आपके फ़ोन उन्होंने नहीं उठाए तो अब मैं साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।